मोदी सरकार 3.0 ने अपना पहला बजट पेश कर दिया है। स्टूडेंट्स, महिलाओं और युवाओं के लिए कई खास और बड़े ऐलान किए गए हैं। पर्सनल टैक्स पेयर्स के लिए भी बड़ी घोषणा की गई है। अब नए टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड रिडक्शन को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया है। फिलहाल मैं प्रेरणा महेश्वरी हूँ, आई एम कंपनी सेक्रेटरी। ओवरऑल बजट में महिलाओं को स्पेसिफिकली वर्किंग वुमेन का खास ध्यान रखा गया था एंड कुछ चीज़ें वर्किंग वुमेन को लेकर कवर किया गया, स्पेशली क्रेशेज वगैरह बनाने के लिए सरकार एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी बहुत कुछ बोला गया। बट कुछ चीज़ों में बजट में कंसर्न था कि टैक्सेशन को लेकर, स्पेसिफिकली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को बढ़ाना एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है कि जहाँ पे गवर्नमेंट और ध्यान रख सकते। ओवरऑल बजट ठीक है ना, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव नहीं है, बहुत अग्रेसिव ठीक। मेरा नाम सी रचिता भार्गव है। मेरी कोई ऐसी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, बट हाँ कुछ चीज़ों में जो ये जैसे अब इंडिविजुअल टैक्सेशन में कर रहे हैं कि ये नए टैक्स रिजीम में हम लोग आते जा रहे हैं, पुराने टैक्स रिजीम में चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं, तो जो हम लोग इन्वेस्टमेंट करते थे जैसे LIC म्यूचुअल फंड्स में, इनमें जो हमें डिडक्शंस मिलते थे वो नहीं मिलेंगे, तो लोगों को लोग प्राइवेट सेक्टर्स के टूवर्ड ज़्यादा मूव करेंगे और इन सब चीज़ों में जो डिडक्शन करते थे, अब जैसे LIC में कौन इन्वेस्टमेंट करेगा, जब आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट भी नहीं करेंगे, तो इन चीज़ों को गवर्नमेंट के इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ही कंजर्वेटिव अप्रोच है, इसको मुझे लगता है और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। थैंक यू। वेल, मेरा नाम है CA पूजा कोठारी अग्रवाल। बजट के लिए अगर मेरे को बोला जाए कि आप कैसे इसको देखते हैं, तो मेरे हिसाब से मिडिल क्लास के लिए एवरेज बजट था, क्योंकि आज की यूथ मोर ऑफ इन्वेस्टमेंट करती है म्यूचुअल फंड या शेयर्स में, जिसमें सरकार ने रेट्स बढ़ा दिए हैं और कहीं ना कहीं जो और इन्वेस्टमेंट करती है उसकी छूट न्यू रिजीम में मिल नहीं रही है। तो आई थिंक कि सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट्स और कैसे बढ़े लोगों का रादर देन एक्सपेंडिचर। महिलाओं के लिए नो डाउट सरकार ने ये रिलीफ लाई है स्टैम्प ड्यूटी के लिए, विच आई अप्रिशिएट, कि अब लोगों के लिए रहेगा कि गर्ल्स के नाम पे प्रॉपर्टी परचेज हो और अपलिफ्टमेंट हो, क्योंकि अब सर लेडीज़ लोग भी बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो रही हैं, तो इट्स वेरी गुड कि उन्होंने अपनी ये स्कीम लाई है फॉर द गर्ल्स। आई अप्रिशिएट दिस पॉइंट। देखिए, जो सैलरी क्लास की महिलाएं हैं, जो जिनके हस्बैंड सैलरी बेस्ड काम करते हैं या वो खुद सैलरी बेस्ड काम करती हैं, उनके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 50,000 से बढ़ाकर रिडक्शन जो डिडक्शन है वो 75,000 किया गया है, तो उससे उनको किचन चलाने में मदद मिलेगी। और जो मिडिल क्लास की हाउसवाइफ भी हैं, उनके लिए भी यहाँ बजट में अच्छा प्रावधान किया है, तो दोनों क्षेत्रों में मुझे लगता है महिलाओं को उनके किचन को मैनेज करने में काफ़ी आसानी होगी। और गोल्ड को लेकर भी इसमें बात की गई है, जिसके परिणाम अभी थोड़ा समझना आना बाकी है, बट मुझे लगता है कि महिलाएं काफ़ी गोल्ड प्रिय होती हैं और अपने आगे वाले समय के लिए भी बचत करके रखती हैं, तो उसके लिए भी उनको एक अच्छा माध्यम इस बजट के माध्यम से मिल सकता है, तो महिलाओं को मुझे लगता है एक अच्छा लगेगा इस बजट को सुन के। हाँ, संतुष्ट है। मैं एक डॉक्टर होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते, दोनों ही माध्यम से इस बजट से संतुष्ट हूँ।